बड़ी ही खूबसूरत चीज है। जब भी जिसे भी होती है भाई, वो इंसान इस दुनिया से परे ही चला जाता है, यानी कि वो एक अलग दुनिया में होता है। भाई मोहब्बत है ही इतनी खूबसूरत। देखा जा रहा है कि बी टाउन में भी हसीनाओं को उनकी मोहब्बत हासिल हो गई, और हासिल होने के बाद तो चेहरे का नूर मोहब्बत को साफ तौर पर, खुशी को साफ तौर पर दिखाता दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं दीप वीर के बारे में, तो आप बिल्कुल सही हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है, क्योंकि रणवीर सिंह ने जो ऐसा कर दिया, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बॉलीवुड के दमदार और कूलेस्ट एक्टर कहलाए जाने वाले रणवीर सिंह ने आखिर ऐसा क्या किया। आपको बताएंगे हम किस तरह से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हनीमून को सेलिब्रेट करके, यानी कि श्रीलंका से वापस मुंबई आ चुके हैं, जहां पर देखा गया कि भाई एयरपोर्ट से जब रणवीर और दीपिका दोनों साथ आ रहे थे, तब जैसे ही वो बाहर आए, मीडिया के कैमरों ने, फैंस ने उन्हें घेर लिया। अक्सर यूं तो देखा गया है कि जब भी मीडिया आ जाती है, फैंस आ जाते हैं, तब रणवीर सिंह खुशी से झूमने लगते हैं, गले लगाते हैं। मगर इस बारी रणवीर सिंह ने पत्नी दीपिका के सामने ही ऐसी हरकत कर दी जिसे आप भी देखकर दुखी हो जाएंगे। यकीनन ही मोहब्बत का ये जो नशा है, इतना भी इंसान के सर पे ना चढ़े कि वो अपनी कुछ वैल्यूज ही भूल जाए। आप देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम, जहां पर यकीनन आपको भी देखकर गुस्सा आएगा। जस्ट टेक अ लुक। बॉलीवुड की मस्तानी और बॉलीवुड के बाजीराव कहलाए जाने वाले दीपवीर जो फाइनली हनीमून से वापस लौट आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपवीर बीते दिनों श्रीलंका हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, जहां पर बॉलीवुड का ये खूबसूरत अब वापस लौटता हुआ देखा गया। हाल ही में एयरपोर्ट से तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की ट्विनिंग को देखकर आप और भी दीवाने हो जाएंगे। मगर यहीं पर ऐसा भी कुछ देखा गया है जिसे देखने के बाद यकीनन फैंस को काफी दुख पहुंचेगा, क्योंकि बॉलीवुड के जबरदस्त और शानदार एक्टर कहलाए जाने वाले रणवीर सिंह अक्सर देखा गया है कि अपने स्वीट गेस्चर के लिए जाने जाते हैं। जितनी बारी वो फैन से मिलते हैं, जितनी बारी वो मीडिया से रूबरू होते हैं, गले लगाकर हर वक्त उनके साथ मस्ती करते हैं। मगर आपको हम यहाँ पर इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से दीपिका के आते ही अब शायद रणवीर सिंह बदल गए हैं। कुछ लोग ऐसा जरूर कहेंगे। आप यहाँ पर पहले वीडियो में देखिए किस तरह से रणवीर सिंह ने मीडिया वालों को धक्का मारा, यानी कि पत्नी दीपिका के सामने ही रणवीर सिंह का यहाँ पर साफ तौर पर मीडिया पर गुस्सा भी उतरा। जैसे ही रणवीर और दीपिका एयरपोर्ट से बाहर आए, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। जब मीडिया वालों ने रणवीर सिंह से बाइट लेने की कोशिश की, तब यहाँ पर रणवीर सिंह का गुस्सा निकला और उन्होंने हाथों से मीडिया वालों को धक्का दे दिया। देखिए हमारा ये खास वीडियो, जहां पर यकीनन फैंस काफी दुखी होने वाले हैं। दीपिका, अपना ऐप लॉन्च किया। चल 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 बाद 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 अपना ऐप लॉन्च किया। चल 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 बाद 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 बाद। यकीनन आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरह से भाई दीपिका पादुकोण के सामने ही रणवीर सिंह का ऐसा व्यवहार सामने आया।
आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के सिम्बा कहलाए जाने वाले रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा रिलीज हुई थी, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। देखा गया कि इस फिल्म के हिट होने के बाद कहीं ना कहीं रणवीर सिंह जम के मस्ती और मौज भी करते देखे गए। तो यहाँ पर जिस तरह से रणवीर सिंह का ऐसा अंदाज सामने आया जब उन्होंने मीडिया वालों को धक्का दिया, तो ये काफी ही अटपटा लग रहा है। आपको बता दें कि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, तब से ही देखा जा रहा है कि रणवीर को काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर फैंस का गुस्सा भी रणवीर सिंह को लेकर फूटा। पहले तो रणवीर सिंह प्यार से कहते हैं हट जाएं, मगर जब वो नहीं हटते तब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो धक्का मार देते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉलर्स ने रणवीर सिंह को काफी ज्यादा ट्रॉल किया और उनसे कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया जो मीडिया को धक्का मारने कि आपको जरूरत पड़ी। कहीं ना कहीं मानो जिस तरह से रणवीर सिंह की अब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो यकीनन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हरकत उन्होंने यहां पर की। अब आपको बता दें कि जिस तरह से वो वापस आ चुके हैं और एयरपोर्ट पे जो हरकत कर चुके हैं, उसके बाद देखा गया कि किस तरह से रणवीर सिंह मुंह छुपाकर अपनी फिल्म सिम्बा देखने पहुंचे। अब वहां पर क्या कुछ हुआ आप देखेंगे हमारी इस दूसरी वीडियो में। पुढे पुढे घे बाबा पुढे घे 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 मागे चल मागे चल भेटला फोटो अरे अनिकेत भेटला यार। यकीनन साफ तौर पर आपने यहाँ पर देखा होगा कि रणवीर सिंह, जी हाँ बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह, जो हर बारी हर किसी को अपने सामने कंफर्ट करवा देते हैं, तो रणवीर सिंह ने ऐसी हरकत कर दी। देखा आपने किस तरह से जैसे मीडिया वाले उनसे बाइट लेने के लिए आगे आते हैं, पहले वो मना करते हैं और उसके बाद वो हाथ से उन्हें धक्का देते हैं। वाकई ही काफी हैरान कर देने वाला रहा, या यूं कहें कि प्यार का नशा कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मुंह छुपाकर भी रणवीर सिंह अपनी फिल्म सिम्बा को देखने गए थे। अब आपको बता दें कि जहां हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा रिलीज हुई है, तब देखा जा रहा है कि इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। काफी अच्छे से चाहने वाले जो हैं इस फिल्म को देख रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो हरे अब जाए जल्दी और फिल्म सिम्बा देखे, और वहां पर सारा अली खान और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री वाकई ही काफी खूबसूरत है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आपको भी अगर इन वीडियोस में गलत लगा हो कि रणवीर सिंह ने यहाँ पर गलत किया है, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय को जरूर रखें। मगर तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दीपिका अपना ऐप लॉन्च किया। चल 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 बाद बाद दीपिका अपना ऐप लॉन्च किया। चल 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 बाद 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 सेंटर को छोड़ दो।
चल 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 च